नमस्कार, न्यूज क्लिक के डेली राउंडअप में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रांजल। आइए नजर डालते हैं एक बार हेडलाइंस पर। कोरोना अपडेट, देश में 24 घंटे में 941 नए मामले, 37 लोगों की मौत। बाहरी जेलों में कैद कश्मीरी पीएसए बंदियों के परिवारों ने की रिहाई की मांग। कोरोना के कारण होने वाली अन्य मौतों को रोका जा सकता है, विकास रावल। स्थगित हुआ आईपीएल 2020। स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक देश में अभी तक कुल संक्रमितों की संख्या 12,380 पहुंच गई है, जिनमें से 1,489 लोगों को स्वस्थ किया जा चुका है, लेकिन 414 लोगों की मौत भी हुई है। देश में अभी भी 10,477 सक्रिय मामले मौजूद हैं। पिछले 24 घंटों में कोरोना संक्रमण के 941 नए मामले आए हैं, 37 लोगों की मौत भी हुई है। साथ ही 183 लोगों को स्वस्थ किया जा चुका है और 721 सक्रिय मामले और जुड़ गए हैं। अगर हम रात भर यानी कल शाम 5 बजे से लेकर आज सुबह 8 बजे तक की बात करें तो 447 मामले रात भर में आए हैं और 22 लोगों की मौत हुई है, पर साथ ही साथ 145 लोगों को स्वस्थ भी किया गया है। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद के अनुसार बुधवार रात 9 बजे तक 274,599 सैंपल की जांच की जा चुकी थी, जिसमें 28,941 सैंपल की जांच पिछले 24 घंटे यानी 14 अप्रैल रात 9 बजे से 15 अप्रैल रात 9 बजे तक की गई है, जिसमें 953 कोरोना पॉजिटिव मामले सामने आए हैं। देश में सबसे अधिक नए मामले मध्य प्रदेश से सामने आए हैं। मध्य प्रदेश में पिछले 24 घंटों में 257 नए मामले आए हैं और कुल संक्रमितों की संख्या 987 पहुंच गई है। महाराष्ट्र में 229 नए मामले, गुजरात में 116 मामले, उत्तर प्रदेश में 75, राजस्थान में 54, आंध्र प्रदेश में 42, तमिलनाडु से 38, तेलंगाना से 23, जम्मू कश्मीर से 22, कर्नाटका से 19, वेस्ट बंगाल से 18, दिल्ली से 17, पंजाब से 10, 6-6 मामले हरियाणा, मेघालय, 4 बिहार, 2 हिमाचल प्रदेश और 1-1 मामला केरल, आसाम और झारखंड से आया है। देश के 13 राज्य ऐसे भी हैं जिनमें पिछले 24 घंटों में एक भी नया मामला सामने नहीं आया है, जिसमें उड़ीसा, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, चंडीगढ़, लद्दाख, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, गोवा, पुदुचेरी, मणिपुर, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम और नागालैंड शामिल हैं। अनुच्छेद 370 को खत्म करने के बाद जिन कश्मीरियों को भारत के तमाम जेलों में रखा गया है, उनके परिवार कोरोना वायरस महामारी के चलते डर और आशंका से व्यक्त हैं। उन्होंने केंद्र सरकार से विनती की है कि इन्हें सार्वजनिक सुरक्षा अधिनियम के तहत डिटेन किया गया है, उन्हें कुछ समय के लिए रिहा कर दिया जाए। यह अधिनियम जम्मू और कश्मीर का एक प्रशासनिक कानून है, जिसके अंतर्गत किसी भी व्यक्ति को बिना किसी आरोप या मुकदमे के 2 साल तक की गिरफ्तारी में रखा जा सकता है। आइए देखते हैं न्यूज क्लिक की ग्राउंड रिपोर्ट। Family members of Kashmiri prisoners who have been lodged in different jails across India since Article 370 was scrapped express fear and anxiety in the wake of COVID-19 outbreak that has gripped the world. मेरे भाई का नाम आशिक अहमद रोथर है, जो पेशे से एक मौलवी था। 4 अगस्त जिस दिन ये आर्टिकल का हुआ रिमूव हुआ, उसी दिन उसको उठाया गया रात को ही और उसे ले जाया गया बाहर आगरा यूपी में। तब से हमने एक बार मुलाकात की है उससे अगस्त में, अगस्त से अब तक हमने उसे न देखा है, न पता है कि वो कैसा है, ना ही हमें पता है कि वो किस हाल में है। मतलब पता है कि बीमारी कब के आज वक्त बहुत बड़ी मुसीबत है दुनिया में, इस वक्त बीमारी फैल चुकी है और हमें वो उसके साथ ना रबता है, ना ही कोई फ़ोन कॉन्टैक्ट है। अगर फ़ोन कॉन्टैक्ट हो तो सोचते कम अज़ कम कि वो ठीक है। दूसरी बात, यूपी में आगरा को रेड जोन दिया गया, करार दिया गया है। मैं हुकूमत से गुजारिश करता हूं कि अगर उनमें से किसी एक बंदे को कुछ भी हो गया तो पूरे जेल में फैल जाएगा, फिर हम कहां उसके पास जाएंगे या उसको अगर यहां लाएंगे तो फिर हम देख भी नहीं सकते हैं उसको। आठ महीने हो गए उससे बात किए हुए हमें, ना तो हमें इन्फॉर्मेशन है कि वो कैसा है। मैं यहाँ भी गया था एसएसपी साहब के साथ, कुबिया के साथ, उनको लाओ यहाँ पे, इन्होंने बोला हो जाएगा, कल शिफ्ट हो जाएगा, परसों शिफ्ट हो जाएगा, किसने बोला 25 जनवरी पर शिफ्ट हो जाएगा, कोर्ट भी हमें 1 तारीख पे दूसरी तारीख दे रही है। मसला ये है, हमारा भाई 5 अगस्त से बंद है। मेहरबानी करके
हमारे इस भाई को रिहा किया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने भी अपील की है कि इन लोगों को मतलब रिहा किया जाए, लेकिन बोलते हैं करते कुछ नहीं है। कितने मतलब लोग मर चुके हैं, लेकिन हमारे मतलब किसी को भी अभी तक नहीं छोड़ा है। हम गरीब हैं, हमारे पास कुछ नहीं है। मेरे वालिद साहब का नाम अब्दुर्रशीद डार है, जो पिछले 9 महीनों से आगरा के सेंट्रल जेल में पड़ा हुआ है। जिस दिन वो घर पे था 2 अगस्त को नाइट रेड पड़ी थी, शाम के टाइम फौज और पुलिस पार्टी आई थी, उसको निकाला घर से और रातों रात उसको पहुंचा दिया आगरा। उसका हमें पता नहीं है कि ना हम उसको मिलने गए थे 15 अक्टूबर को। 15 अक्टूबर के बाद आज तक हमें पता नहीं है कि वो किस हाल में है, वहाँ पे उसके साथ क्या हो रहा है। हम शाम के टाइम यही सोचते हैं कि अगर खुदा ना करे ऐसा कि अगर एक को लग सकती है वहाँ जेल में, पूरे जेल को लग सकती है। हम बहुत ज़्यादा खौफ में हैं कि पता नहीं क्या होगा। कोरोना के कारण व्याप्त लॉकडाउन से लोग परेशान हैं। कुछ 180 मौतें ऐसी भी हुई हैं जो अन्य कारणों से हुई हैं। इन पर बात कर रहे हैं जेएनयू के प्रोफेसर विकास रावल, आइए सुनते हैं उन्हें। थैंक यू सो मच प्रोफेसर रावल फॉर जॉइनिंग अस। सो इन योर रीसेंट आर्टिकल यू एंड योर कोऑथर्स हैव ट्रैक्ड दैट एज ऑफ अप्रैल 12th एटलीस्ट 181 पीपल हैव डाइड ड्यू टू डिस्ट्रेस दैट्स हैव टेकन प्लेस। सो कुड यू ब्रीफली आउटलाइन व्हाट हैव बीन द की एस्पेक्ट्स ऑफ द स्टडी? Yeah, so you see, we started keeping track of deaths that were happening because of various kinds of distress. Oh. It's an exercise that started somewhat casually, but then as it started sort of rising, right, we felt the need to become more systematic in recording. We reached out to others who could help us with news reports in other languages. We also realized that there were at least 3 or 4 other users on social media who were doing something similar, which was very helpful because then we could all sort of communicate with each other and help each other in ensuring that we don't miss reports and we don't double count and so on. But it's been a difficult exercise because not everything is reported, not everything is reported promptly, mm-hmm, and we are unable to reach out to all the sort of vernacular language media. Right. But with what we could, we found that until the 12th of April, at which point of time we started writing our piece, mm-hmm, there had been 334 infection deaths because of COVID infection and the comorbidity. And in comparison, there had been 181 additional distress deaths. So now this is the main point that we have tried to make in the paper, that while certain level of mortality because of COVID infection, right, is unavoidable, I mean, it can be reduced by better provisioning of public health, but a certain level of mortality is unavoidable because you really don't have a cure, mm-hmm, for COVID-19 and so on. The distress deaths, right, are completely avoidable. There's no reason why anybody needs to die of hunger. There's no reason why anybody needs to die of fear or stigma or being killed as the person tried to reach home, right, because of the lockdown and so on. So 180 completely preventable death, mm-hmm, is something that should be unacceptable. That's our first thing that we write in our paper. Mm-hmm. The second thing that we do is to look at what are the different causes because of which people have been dying. Right. Distress deaths, what is the nature of this distress? Mm-hmm. And what we find is that there is actually a huge spectrum of kinds of things that have been happening. It started mainly with the migrant workers suddenly being forced to, you know, walk on highways in large numbers to reach home and being met with accidents. So a large number of accident deaths on the road, being hit by a truck, mm-hmm, and things of that kind happened when this first wave of
large number of migrants started on the 25th or so. But with that, there has been an increase in various kinds of distress. So the biggest is people committing suicide because of the fear that they might get infected, or because of the stigma that is associated with the possibility, the suspicion that a person might have COVID, and being shunned by the family, by the neighborhood, and by others in the village and so on, forcing people to commit suicide. The other is, so that is something that has increased. The other big reason of distress mortality is among the alcoholics. Right. People who did not get any help to deal with their alcohol addiction when their access to alcohol was suddenly stopped. Another very, very important category is of people losing their lives because of hunger, starvation, loss of employment, exhaustion of walking hundreds of kilometers, you know, distress associated directly with loss of livelihoods. That's a number that has steadily increased and has in fact started increasing faster than everything else. So you know, there are these various reasons why people are dying. The third thing that we do in the paper is then to try and, based on the information that is available in these news reports, try and make some sense of who are these people who are dying of distress. And the point that we make is that while the COVID infection is something that by and large everybody is vulnerable to, you know, anybody gets exposed to an infected person or a surface that has the virus can pick up infection, though the vulnerability of different let's say segments of population varies, you know. And there are people for whom physical distancing is not an option. You live in cramped spaces in Dharavi. You don't have a choice to isolate yourself. There are people who, because of their work, because of their lives, are more exposed. Doctors are more exposed to infections and so on. There is that, but the virus per se does not distinguish. But if you look at the distress deaths, these deaths are almost entirely among the working people, among the poor and the vulnerable sections of the society. Out of 181 people that had died in distress deaths until the time when we wrote our paper, we could not classify a certain number. We could classify about 136 or so, out of which 131 are clearly identified as peasants, rural workers, urban manual workers, or destitutes. Right. So it's the vast majority, almost entirely. People who are, and in fact, people who we have not been able to identify are most likely also from these segments. So, for example, a bulk of them at least, you know, alcoholics who died on the road, unidentifiable person, is most likely to be a person who was either a, you know, destitute on the street who was addicted or and therefore could not get alcohol and committed suicide, things of that kind, or consumed some poisonous substance, warnish, all kinds of crazy things happening for people because they are unable to get any help in dealing with problems of withdrawal. So, you know, a vast majority of victims of distress death are people who are from vulnerable sections of the society who died because they did not get any help, any assistance. That's the third thing. The final thing, point that we make is that while infection deaths are concentrated in large cities, in Mumbai, in Thane, in Pune, in Indore, the distress deaths have spread very widely. The distress deaths have spread much more widely than infection has. The distress deaths are concentrated in small towns, in villages, all over the country. So the spread of distress and mind you, distress is a symptom of the distress deaths are a symptom of a much larger distress that is that happened in the population. That distress has spread very widely. It has hit the vulnerable sections the most. It has hit the villages the most. It has hit the small towns the most, while the infections are still concentrated in big cities. So that's essentially what we have done.
So a key argument made by the supporters of the government is that this had to be done, and this was an emergency. It was an international emergency. The lockdown, you know, was a sudden measure. There was no way of possibly avoiding a lot of this, and the lockdown actually helped, as Prime Minister himself said yesterday, that because of all these steps and sacrifices, we have managed to sort of control the disease. So how would you respond to that in the light of these data? Look, I think one is that it's wrong to say that it had to be done suddenly. You had a warning of 3 full months. The disease appeared in China in December. After that, there was news of it spreading in so many different countries before it expanded in a major way in India. So you had a fairly substantial period of early warning in which you could have actually prepared. There is no reason why migrant workers in cities could not have been given a 10-day notice that something of this kind was coming, and if they needed to go back to the villages, they should do that in time before the country is shut down. There is no reason why farmers could not have been informed in advance to deal with the sowing that they were going to have to do to procure their fertilizer. There is no reason why planning for providing subsidized ration to everybody could not have been done beforehand. Right. Why was it an afterthought? Why is it that government had to announce this days after announcing the lockdown that people will be provided, and that assistance is not yet reached? A vast majority of people are still, you know, waiting for that assistance to reach. Now, why is it that that was not done early enough? Right. So it's not correct at all to say that there was no time for government to inform people, and it suddenly came. It did not suddenly come. The second thing is that we don't yet know how successful lockdown has been in containing the spread. True. The spread is rising exponentially. We are still in the stage where there is an exponential increase in the spread taking place. Now, it's a big question on how successful is the lockdown in containing the spread of COVID-19. Right. What is clear is that hugely exacerbated distress. You've hugely exacerbated distress, causing people to lose their lives. In your attempt to save their lives, you've actually caused loss of life. Right. So, thank you so much, Professor Rawal, for talking to us. Thank you, Krishna. Thank you. India Premier League, yani IPL ke 13th संस्करण को अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया गया है. IPL का आयोजन 29 मार्च से होना था, लेकिन पहले लगाए गए लॉकडाउन के कारण BCCI ने पहले ही IPL को 15 अप्रैल तक स्थगित करने की घोषणा की थी. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मंगलवार को लॉकडाउन को 3 मई तक बढ़ाने के बाद BCCI ने IPL को अनिश्चितकालीन स्थगित कर दिया गया है. आइए सुनते हैं न्यूज़ क्लिक स्पोर्ट्स की ये चर्चा. तो इस लॉकडाउन के बीच किसी भी तरह का स्पोर्ट्स तो नहीं हो रहा, लेकिन फिर भी खेल के मैदान से एक नई ताज़ा खबर आई है. वो ये कि जो अब IPL है, जिसको अभी तक तो सिर्फ पोस्टपोन किया गया था, अब इनडेफिनेटली सस्पेंड कर दिया गया है. अब पता नहीं वो कब होगा या नहीं होगा. ये ताजा खबर आई है IPL के गलियारों से. इस पर मेरे साथ चर्चा करेंगे. जेमी ऑल्टर है मेरे साथ, मैं हूं निखिल लाज. जेमी, क्या लगता है आपको? पहली बात तो खबर तो ये नहीं है, पर कहीं ना कहीं ये कहना सही होगा कि उम्मीद तो आप इसकी कर ही रहे थे. बिल्कुल, मैं कहीं से भी सरप्राइज नहीं हूं कि BCCI ने इस हफ्ते IPL को indefinitely postpone किया. बल्कि मैं थोड़ा सरप्राइज हूं कि ये बात पहले क्यों नहीं हुआ था. पर anyways, मैं समझ सकता हूं कि जो stakeholders हैं और BCCI, IPL Governing Council, ये इंतजार कर रहे थे अप्रैल 14th का, जब हमारे प्रधानमंत्री अगले मैसेज देंगे देश को. इसमें भी कोई सरप्राइज नहीं है कि लॉकडाउन एक्सटेंड हुआ है. पर क्योंकि हमें पता है कि कितनी अनसर्टनिटी इस कोरोना वायरस को लेके है, वैक्सीन अभी तक दूर तक कहीं ना कहीं से आ ही नहीं रहा है, और अफसोस की बात है, बट स्पोर्ट्स इज सो फार ऑन द बैक बर्नर अभी इस दुनिया में, इस देश में, जहां भी आप देखें इतनी बड़ी प्रेसिंग इश्यूज हैं, तो कहीं ना कहीं लोगों को तो अंदाजा है कि स्पोर्ट्स अभी ज्यादा इतने मायने नहीं रखती. तो हाँ, इसमें बिल्कुल कोई सरप्राइज की बात नहीं है कि IPL इंडेफिनिटली पोस्टपोन हुआ है 2020 में. चलिए, अब जो ज्यादातर फैंस हैं वो ये सोच रहे होंगे कि ठीक है, अभी तो बहुत बड़ी महामारी है, हमें उससे निपटना है. IPL, जैसे आपने कहा, बैक ऑफ द माइंड है. लेकिन अब
आगे की जब कोई सोचता है, उम्मीद जब लगाता है, तो देखता है कि कब अब हो सकता है जब थिंग्स कम बैक टू नॉर्मल। एक चर्चा बहुत हो रही है यहाँ पर जो क्रिकेट की खबरें आ रही है उसमें ये कि सितंबर अक्टूबर एक विंडो बन सकती है, क्योंकि अब वर्ल्ड T20 पुश हो जाएगा नवंबर दिसंबर में। वो इसलिए क्योंकि ऑस्ट्रेलिया ने 6 महीने का ट्रैवल बैन लगाया, तो वर्ल्ड T20 तो पुश होगा ही, तो एक थोड़ा सा गैप बन जाएगा। गैप तो है, लेकिन इस बीच जो ऑस्ट्रेलिया जो एशियन क्रिकेट काउंसिल के प्रेसिडेंट है एहसान मनी, उन्होंने ये भी कहा है नहीं, जो शारजा में एशिया कप होना था मैं वो भी कराऊंगा, आईपीएल के लिए नहीं बदलूंगा। क्या लगता है अब आपको, वो विंडो जो बात हो रही है सितंबर अक्टूबर हो सकता है आईपीएल? देखिए एज अ क्रिकेट फैन मैं चाहूंगा कि जल्द से जल्द ऐसी विंडो बने जहां पे कोई भी, आईपीएल छोड़ो, कोई भी अच्छी कंपेटिटिव क्रिकेट हो। बट जैसे कि मैंने कहा था, इतनी अनसर्टेनिटी लेके, मतलब मैंने ये भी पढ़ा है कि साइंटिस्ट रिसर्चर्स ये भी कह रहे हैं कि शायद 8-10-12 महीने लग सकते हैं वैक्सीन को क्रिएट करने में, उसके बाद आपको वैक्सीन पूरे विश्व में यू नो डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो फिर वो डिपेंड करता है किस लेवल पे आपकी आईपीएल आएगा, आपका क्रिकेट आएगा, क्योंकि उससे पहले मेरे मेरे हिसाब से उस लाइन में बहुत सारे अलग फील्ड्स हैं, अलग डॉक्टर्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, मतलब देयर्स टू मेनी पीपल जहां पे जिनको प्रायोरिटाइज करेंगे ये हमारे डॉक्टर्स। तो कहां आईपीएल आएगी, आई फ्रेंकली डोंट सी इट हैपनिंग। दुख की बात है, पर मुझे लगता है इस साल भी शायद आईपीएल ना हो, बट अगेन उम्मीद है कि जल्द से जल्द वो वैक्सीन मिल जाए और जहां विंडो हो। बाकी बात रही एशियन क्रिकेट काउंसिल की, आई डोंट थिंक एनीवन विल टेक देम टू सीरियसली, देयर इज फार टू मेनी स्टेक होल्डर्स व्हेन इट कम्स टू थिंग्स लाइक आईसीसी इवेंट्स एंड द आईपीएल। पर निखिल मेरा आपसे ये सवाल है कि हमें पता है कि अगर आईपीएल नहीं हुआ, जो कि लग रहा है इस साल, तो प्लेयर्स को पैसे नहीं मिलेंगे, फ्रेंचाइजेस को पैसे नहीं मिलेंगे, तो क्या फाइनेंशियल विंडफॉल और डाउनफॉल हो सकता है प्लेयर्स के लिए? सबसे ज्यादा जो चोट है पहुंचेगी वो खिलाड़ियों को ही, क्योंकि वो एंड में है इस जो फूड चेन की अगर हम बात करें, तो उन पर पैसे आने चाहिए। लेकिन यहाँ पर मैं ज्यादातर आईपीएल के जो बड़े खिलाड़ी उनकी चिंता नहीं करूंगा। जैसे आप जानते हैं वो अब यू नो अफ्लुएंट है, उनको कोई इतनी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। प्रॉब्लम वहां आ जाती है उन खिलाड़ियों की जो आईपीएल पे तो निर्भर है, ज्यादा से ज्यादा डोमेस्टिक क्रिकेट पर निर्भर होते हैं, उनकी थोड़ी तकलीफ आ सकती है यहाँ पर, क्योंकि जैसे मैं पता है उनके पास इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं है फॉल बैक करने को, या फिर इतने इन्वेस्टमेंट, इतने पैसे नहीं है। अब झटका यहाँ कैसे लगेगा अगर दर्शकों को बता दें कि अब टीवी राइट्स से आते हैं सारे पैसे, हर स्टेट एसोसिएशन को 30 करोड़ देती है बीसीसीआई, वही जो टीवी राइट्स से पैसे आते हैं, चाहे वो आईपीएल से आ रहे हो या इंटरनेशनल क्रिकेट से, अब वो नहीं आएंगे अगर आप इवेंट कराओगे नहीं। फोर्स मेजर जो क्लॉज है वो पहले से ही बीसीसीआई ने इन्वोक कर दिया है, स्टार को बता दिया है कि भाई हम नहीं करा सकते आईपीएल। तो कहीं ना कहीं कॉन्ट्रैक्ट में यहाँ होता है जहाँ ब्रॉडकास्टर को भी पैसे नहीं देने पड़ेंगे। अगर आपके और मेरा कॉन्ट्रैक्ट है बीसीसीआई और मैं ब्रॉडकास्टर, और आपने कहा है कि मैं ये टूर्नामेंट आपको कराऊंगा, और फिर मैं कह रहा हूं ठीक है जब आप कराओगे मैं पैसे दूंगा, जब टूर्नामेंट ही नहीं हो रहा, तो यहां पर कई लोग कह रहे हैं कि ब्रॉडकास्टर को झटका लगेगा। मुझे नहीं लगता ब्रॉडकास्टर को झटका लगेगा, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट में ये चीजें मेंशन होती है, अगर आप इवेंट ही नहीं कराओगे तो वो आपको किस बात के पैसे देंगे। तो झटका लगेगा बीसीसीआई को। यहां पर बीसीसीआई का असली टेस्ट होगा कि जो उनके जो कॉफिन्स हैं, जहां ढेर सारे पैसे उन्होंने भरे हुए हैं इतने साल, जो हर वक्त प्रॉफिट दिखाता है, पिछले साल भी मेरे को याद है या 2 साल पहले कुछ 150 करोड़ का प्रॉफिट उन्होंने दिखाया था, और ऐसे करते करते उनके बैंक बैलेंस भी बहुत बड़ा है। तो यहां पर उनको उसमें डिप इन करके उन खिलाड़ियों की मदद करनी चाहिए जो डोमेस्टिक क्रिकेट या फिर छोटे खिलाड़ी आईपीएल में, जिन्हें पैसे नहीं मिल पाएंगे बिकॉज ऑफ टीवी राइट डील्स नहीं आएंगी। दूसरी बात फ्रेंचाइजेस की, उनको भी झटका लगेगा, पर मुझे लगता है फ्रेंचाइजेस इतने स्ट्रांग बैकिंग है फाइनेंशियली जेमी कि वो मतलब इस थोड़े से जो स्पीड ब्रेकर है उसको आराम से इस वक्त निकल जाएंगे। झटका लगेगा बट आगे आगे जाकर वो शायद पैसे रिकवर करें। बिल्कुल, और सोशल मीडिया पे इतने सारे मैंने कमेंट्स देखे हैं कि लोग पूछ रहे हैं कि आईपीएल कब होएगा, देयर इज अ बिग वॉइड इन आवर लाइव्स। तो मेरी इनसे यही है, ये मैसेज है कि देखिए दोस्तों, थोड़ा हौसला रखिए, पेशेंस रखिए, काफी टाइम होगा जब हम कोई आईपीएल छोड़ी हम कोई भी कंपेटिटिव क्रिकेट देख पाएंगे। आज के डेली राउंड अप में बस इतना ही। इन सभी खबरों को और विस्तार में जानने के लिए आप जा सकते हैं न्यूज़ क्लिक की वेबसाइट पर, हमें फॉलो कीजिए ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर, और सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब पर। देखते रहिए न्यूज़ क्लिक। धन्यवाद।